तो स्वागत है दोस्तों आपका आज की टेक न्यूज़ में। दोस्तों एंड्रॉइड क्यू यानी कि एंड्रॉइड 10 का नाम क्या होने वाला है ये आज कंफर्म हो गया है। एंड्रॉइड के जो वीपी है उन्होंने आज खुद बताया कि जो एंड्रॉइड जैसे पी है तो एंड्रॉइड पी से पाई हो गया जो कि एंड्रॉइड 9 था। अब जो एंड्रॉइड 10 है वो क्यू होने वाला, तो एंड्रॉइड क्यू के नाम से कोई डेजर्ट तो है नहीं, तो उन्होंने इसका नाम रखा है क्वींस पाई यानी क्वीन पाई बोला जाएगा इसको। और दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी टेक न्यूज़ की तरफ। दोस्तों गूगल ने आज बहुत बड़ा हैकिंग कांड आज सामने लाया है जो कि एप्पल के खिलाफ किया जा रहा था। इसको पूरे एक साल से तैयारी चल रही थी, कुछ बहुत सारी ऐसी साइट्स स्पेशली एप्पल के खिलाफ डिज़ाइन की गई थी जो कि अगर कोई एप्पल का यूज़र अपने आईफोन में खोलता है तो उसका पूरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा, उसमें पूरा मालवेयर ही मालवेयर भर जाएगा और आपकी सारी प्राइवेसी लीक्स हो सकती है। बढ़ते दोस्तों अगली टेक न्यूज़ की तरफ। दोस्तों वीवो Z1X इसकी आज लीक्स कन्फर्म हो चुकी है लॉन्च से पहले। इसमें आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग, एमोलेड डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 712 मिलेगा इसमें जो कि AI प्रोसेसर होने वाला है। और दोस्तों इसमें मिलेगा ट्रिपल रेयर कैमरा जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा और फ्रंट कैमरा इसमें मिलेगा 32 मेगापिक्सल का। इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छे फ़ोन होने वाला है, उसकी प्राइस भी लगभग 17,000 के आसपास होगी। बढ़ते दोस्तों अगली टेक न्यूज़ की तरफ। दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आई है कि सैमसंग का जो गैलेक्सी फोल्ड है वो 6 तारीख को साउथ कोरिया में लॉन्च होने वाला है और वहीं इसका ग्लोबल लॉन्च भी होगा, फिर ये उसके बाद इंडिया में भी लॉन्च होगा। बढ़ते दोस्तों अगली टेक न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताता हूँ। दोस्तों साइंटिस्टों ने लैब में एक पी साइज का ब्रेन बना दिया है जो कि इसको पूरे 10 महीने लगे, ये एक लैब में बना है, इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं जिसके द्वारा इसको 10 महीने लगे एक पी साइज़ का ब्रेन बनाने में। आप जैसे ही देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। दोस्तों काउंटर पॉइंट की तरफ से एक न्यूज़ बाहर आई है कि नोकिया दोस्तों नंबर वन ब्रांड बन चुका है जो कि अपने फ़ोन्स को सारे स्मार्टफोन चाहे वो 6,000 के हों चाहे 50,000 के फ़ोन, उनको उसने टाइम टाइम पर अपडेट दिया है और उससे उसकी रैंकिंग नंबर वन हो चुकी है। और नोकिया के सारे स्मार्टफोन जितने भी अभी मार्केट में अवेलेबल है उन पे एंड्रॉयड क्यू यानी एंड्रॉयड 10 ऑफिशियली आएगा और ये नोकिया की तरफ से भी कंफर्म है और ये एंड्रॉयड की तरफ से भी कंफर्म है। दोस्तों ऑनर 20S ऑनर का नया फोन टेना सर्टिफिकेशन पे लीक हो गया है। इसमें आपको मिलेगा क्वाड कैमरास मिलेंगे, IPS डिस्प्ले मिलेगी और ये दोस्तों इसमें आएगा उनका एक फ्लैगशिप प्रोसेसर क्रेन 980 जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। और दोस्तों इसमें आपको क्वाड कैमरास में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी और दोस्तों काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ ये लॉन्च होने वाला है कुछ टाइम बाद। और दोस्तों आज सैमसंग की तरफ से दूसरी खबर ये है कि सैमसंग का गैलेक्सी M30S जो कि नया फ़ोन होने वाला है इसकी इमेज लीक हो चुकी है जो कि कन्फर्म भी हो गई है कि यही इसकी इमेज है, ओरिजिनल इमेज। तो दोस्तों आज की टेक्निक यही खत्म होती है। ऐसा करता आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पे करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। मैं रोज आपके लिए ऐसी टेक्निक लाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मैं सचिन भट्ट, आप देख रहे थे नॉलेज फॉर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड टेक केयर।